Hello guys, English Guru welcomes you in my YouTube channel, and today we are going to continue over the last part of the chapter. After this part, only question answers will be left, and for that there will be a separate video. Okay, there will be a separate class for the question answers. So without any delay, let us start the class. Okay, I checked and rechecked my calculation. Okay, we had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. अब क्या है, मैंने चेक किया, रीचेक किया, बार बार मैंने उसको चेक किया कैलकुलेशन को, एंड हमारा क्या है, मेन जो कंपास है वो गुम हो चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी, सब कुछ इतना तहस नहस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बुरी कंडीशन हो गई थी हमारी, तो कंपास कहाँ गया हमें पता नहीं. आई वॉज़ यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड. मैं एक अलग से जो एक्स्ट्रा कंपास था मैं उसको यूज़ कर रहा था, वो जो करेक्ट नहीं था मैग्नेटिक वेरिएशन के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं था वो. आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन. लेकिन मैंने क्या है, मैंने वेव्स के अकॉर्डिंग जो करंट जो समुद्र के अंदर जो पानी की जो वेव्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने क्या है, मैंने एक अंदाज़ा लगाना शुरू किया. ठीक है, अबाउट 2 PM, आप 2 बजे के करीब, शाम को 2 बजे, अब 6 जनवरी की बात चल रही है, शाम को 2 बजे आई वेंट ऑन चेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टेयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री. अब मैंने सारी चीज़ें चेक करके मैंने लैरी को बोला कि जो है ना स्टेयरिंग को 185 डिग्री के पे घुमा दो और हम जो है ना वो एम्स्टर्डम पहुँच जाएंगे. सो इफ़ यू वर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM. तो मैंने लैरी को बताया कि अगर मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही निकली तो करीबन 5 बजे के आसपास हम जो है वो एम्स्टर्डम पे पहुंच जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि उसको ऐसी बात सुन के उसको थोड़ी सी उम्मीद हुई भी होगी कि हम एम्स्टर्डम को भी देख भी पाएंगे, आइलैंड को भी देख भी पाएंगे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और मेरा जो है ना मन भारी हो रखा था तो मैं नीचे आ गया. क्लाइम्ब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और जो है मैं नीचे आके, और मैं बंक क्या होता है कि जो रेस्ट करने की जगह एक तो नीचे होती है, एक ऊपर जो जैसे ट्रेन्स वगैरह में होती है तो बंक होते हैं तो शिप के अंदर भी, तो मैं वहाँ पे चढ़ गया और अमेजिंगली मुझे नहीं पता कि मेरे को नींद कैसे आ गई और मैं डॉज्ड ऑफ, मतलब मैं सो गया वहाँ पे. एंड आई वॉक अप इट वाज 6 PM, और जब मैं जागा तो ये 6 बज चुके थे एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बियर बैक इन टू द वेस्टर्निंग विंड्स. अब क्या है कि इतना तो ज़रूर पक्का था, कन्फर्म था कि अगर हमने उस एम्स्टर्डम को मिस कर दिया है तो अब हमारी जो शिप है वो दोबारा से वेस्टर्न वेव्स को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी. एट दैट मोमेंट टॉसलिड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, और उसी टाइम पे टॉसलिड हेड क्या मतलब, एक सूजा हुआ, एक बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ जो हेड है, मतलब कौन स्यू, ठीक है, वो मेरे सामने आई. कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको हग कर सकती हूँ, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ. जोनाथन एस्ड, स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम. अब जोनाथन जो है ना वो, जोनाथन ने पूछा और स्यू बिल्कुल उसके पीछे थी. व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ आई एस्ड, मैंने पूछा कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड. अब जवाब क्या मिला कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी हो. माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया. नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, कि आज तो नहीं कम से कम जॉन, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ. वाई यू मस्ट बी, कि क्यों, क्यों हो आप, क्यों होना चाहिए आपको. एंड स्यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो आइलैंड को फाइंड कर लिया है, आपको क्यों अपने ऊपर डाउट हो रहा है. वॉट आई शाउटेड, मैं चिल्लाया कि क्या ऐसा हो गया. इट्स अवर, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस दे चार्स. अब चार्स मतलब दोनों ने एक ही सुर में बोला कि देखो वो तो बिल्कुल हमारे सामने है, बाहर है. एस मिंग एज अ बेटर शिप, इतना बड़ा है जितना कि रणभूमि होती है, जो युद्ध का मैदान होता है. आई रश्ड ऑन डैक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम, और मैं बाहर भागा और मैंने देखा, ठीक है, गेज किया मैंने, देखा, ठीक है, कि एम्स्टर्डम की बाउंड्री को, आउटलाइन को मैंने देखा. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनो.
वॉल्केनिक रॉक है. क्या है कि मतलब काला काला सा एक ब्लीक सा पीस है वॉल्केनिक रॉक का, वॉल्केनो से की वजह से जो है ना वॉल्केनो का अंदर का जो लावा है वो निकल निकल के, और ये मतलब उसकी उससे बना हुआ है. तो ये कोई बहुत ज़्यादा जो है ना फैसिनेटिंग आइलैंड नहीं है. वो लिटिल वेजिटेशन और कुछ थोड़ी बहुत वेजिटेशन मतलब थोड़े बहुत पेड़ पौधे वहाँ पे उगे हुए हैं. इट वॉज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. बट एट दैट टाइम, उस टाइम पे मेरे लिए सबसे मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड था. क्यों था? क्योंकि वही वो आइलैंड था जिसने मतलब उस टाइम पे हमारी जान बचानी थी. तो नीड के हिसाब से किसी भी, आपने भी सुना होगा दैट यू नो चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, टाइम की वैल्यू होती है. तो एम्स्टरडेम किसी के लिए तो सिर्फ एक काला सा एक आइलैंड का टुकड़ा है, लेकिन जिसकी जान बचाई है एम्स्टरडेम ने उसके लिए तो वो मोस्ट ब्यूटिफुल, वर्ल्ड के अंदर मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड है. तो ऐसा ही हमारे राइटर के साथ हुआ है. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हमने जो है ना आपने हम उतरे रात को, हमने जो शिप है ना उसको भी किनारे पे लगाया. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर. और वहाँ पे 28 इनहैबिटेंट्स रहने वाले, 28 इनहैबिटेंट्स थे और उन्होंने भी काफ़ी हमें चेयर किया, हमें प्लीज़ किया, काफ़ी हमसे अच्छे से मिले वो, ठीक है. और उन्होंने हमारी हेल्प भी की अशोर होने में, सी पे हम सी को शोर पे लगाने में. वुड लैंड इन टू माई फीट अगैन, माई थॉट्स वर फुल ऑफ लेरी एंड हैबी हर्बी, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस. इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था, और स्ट्रेस के अंदर भी मतलब हमने काम किया. और अब देखो हमारे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन है. एंड ऑफ मैरी वी हू स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 year ओल्ड गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी व्हिच सब्सिक्वेंटली टुक सिक्स माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड clot between skin and skull and of 6 year old boy who was not afraid to die. अब मैंने सोचा उन सब के बारे में कि कैसे लेरी और हर्बी वो कितने ज़्यादा जो है ना होप से भरे हुए थे. मैंने सोचा मैरी के बारे में कि वो कितने कैसे क्रूशियल आर्स के अंदर जो है ना स्टेयरिंग को संभाल के रखा. मैंने सोचा स्यू के बारे में, बहुत ज़्यादा मैंने स्यू के बारे में सोचा, जैसे एक स्वोलन हेड था लेकिन फिर भी उसने कैसे जो है ना मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे. कैसे एक लड़का जो छोटा सा लड़का जो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था, तो इन सब के बारे में मैंने सोचा. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. वन मोर थिंग, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.